हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय क्लास। टुडे वी शैल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एसे ऑन COVID-19 और कोरोना वायरस एन एपिडेमिक, और हिंदी में इसको कहेंगे COVID-19 या कोरोना वायरस एक महामारी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ यू कैन सी द एसे ऑन योर स्क्रीन्स, COVID-19 एन एपिडेमिक और कोरोना वायरस एन एपिडेमिक। COVID-19 एक महामारी, कोरोना वायरस एक महामारी। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। COVID-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज आइडेंटिफाइड इन 2019। COVID-19 मीन्स COVID-19 का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस बीमारी आइडेंटिफाइड, पहचानी गई इन 2019 में। COVID-19 का मतलब होता है 2019 में पहचानी गई कोरोना वायरस डिजीज़ या कोरोना वायरस बीमारी। COVID-19 इज़ अ वेरी माइक्रो वायरस। COVID-19 एक बहुत सूक्ष्म वायरस है। इट इज़ 900 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन एयर। ये 900 गुना छोटा है मानवीय बाल से। ये मानवीय बाल से 900 गुना छोटा है। इट इज़ अ वेरी इन्फेक्शियस वायरस। ये एक बहुत संक्रामक वायरस है। द इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 स्टार्टेड। COVID-19 का संक्रमण शुरू हुआ इन दिसंबर 2019 में इन द सिटी वुहान ऑफ चाइना, चाइना के शहर वुहान में। COVID-19 का संक्रमण चाइना के शहर वुहान में दिसंबर 2019 में शुरू हुआ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द COVID-19 एन एपिडेमिक। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हैज़ डिक्लेयर्ड, घोषित कर चुका है द COVID-19 को एन एपिडेमिक, एक महामारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन COVID-19 को एक महामारी घोषित कर चुका है। पॉइंट नंबर टू, सिम्टम्स ऑफ COVID-19। COVID-19 के लक्षण। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार फीवर, बुखार, कफ, खांसी, रनी नोज, बहती नाक, सोर थ्रोट, दुखता गला एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सांस में तकलीफ आर इट्स मेन सिम्टम्स, इसके मुख्य लक्षण हैं। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, बहती नाक, दुखता गला तथा सांस में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। द इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस, इस वायरस का संक्रमण स्प्रेड्स, फैलता है फ्रॉम वन पर्सन, एक व्यक्ति से, टू अनदर, दूसरे तक। इस वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इन मैनी केसेज ऑफ COVID-19 न्यूमोनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ कैन अकर। इन मैनी केसेज ऑफ COVID-19, COVID-19 के बहुत से केसों में न्यूमोनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई, किडनी फेलियर, गुर्दे का फेल होना एंड इवन डेथ तथा मृत्यु भी कैन ओकर, हो सकती है। COVID-19 के बहुत से केसों में न्यूमोनिया, सांस लेने में कठिनाई, गुर्दे का फेल होना तथा मृत्यु भी हो सकती है। द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ COVID-19। COVID-19 का उष्मायन अवधि इज है बिटवीन 40 डेज, 14 दिनों के मध्य। COVID-19 का उष्मायन अवधि 14 दिनों के मध्य है। COVID-19 का इनक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों के मध्य होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, इट्स बैड इफ़ेक्ट्स, इसके बुरे प्रभाव। द होल वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय COVID-19। पूरा संसार COVID-19 द्वारा प्रभावित किया गया है। मोर देन 10 करोड़ पीपल आर इन्फेक्टेड। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। एंड मोर देन 20 लाख पीपल आर किल्ड, तथा 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं बाय दिस वायरस, इस वायरस के द्वारा। इस वायरस के द्वारा 10 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं तथा 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं।
On the other hand, there is a great crisis of jobs. On the other hand, दूसरी तरफ there is a great crisis. एक महान संकट है of jobs, नौकरियों का. दूसरी तरफ नौकरियों का एक महान संकट है. Crores of people have become jobless. करोड़ों लोग नौकरी विहीन हो गए हैं या करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं. The economy of various countries, भिन्न भिन्न देशों की अर्थव्यवस्था has been broken, टूट चुकी है. भिन्न भिन्न देशों की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है. पॉइंट नंबर 4, प्रिवेंटिव मेजर्स, रोकथाम के उपाय. WHO has issued the following guideline to prevent the infection of COVID-19. WHO जारी कर चुका है the following guideline, निम्न दिशा निर्देश, to prevent, रोकथाम के लिए, the infection of COVID-19, COVID-19 के संक्रमण की. WHO COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी कर चुका है. ए, वॉश योर हैंड्स विद सोप, अपने हाथों को साबुन से धो. बी, कवर योर माउथ, अपने मुंह को ढको, वाइल कफिंग, जब खांस रहे हों, एंड स्नीजिंग, तथा छींक रहे हों. अपने मुंह को ढको जब खांस रहे हों तथा छींक रहे हों. सी, इफ हैंड्स आर नॉट क्लीन देन अवॉइड टचिंग द आईज, नोज एंड माउथ. इफ हैंड्स आर नॉट क्लीन, यदि हाथ साफ ना हों, देन अवॉइड, तब बचो, टचिंग, छूने से, द आईज, आँखों को, नोज, नाक को, एंड माउथ, तथा मुंह को. यदि हाथ साफ ना हो तो आँखों, नाक तथा मुंह को छूने से बचो. डी, कीप सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी रखो. ई, डू नॉट इनवाइट गेस्ट टू द हाउस, मेहमानों को घर आमंत्रित मत करो. एफ, डू नॉट गो टू पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर मत जाओ. जी, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु हैव कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स. स्टे अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से दूर रहो, हु हैव, जो रखते हों, कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, कोल्ड तथा फ्लू के लक्षण. लोगों से दूर रहो जो कोल्ड तथा फ्लू के लक्षण रखते हों. एच, स्टे होम एंड यूज मास्क वैन गोइंग आउट. स्टे होम, घर ठहरो, एंड यूज मास्क, तथा मास्क का प्रयोग करो, व्हेन गोइंग आउट, जब बाहर जा रहे हों. घर ठहरो और जब बाहर जा रहे हों तो मास्क का प्रयोग करो. पॉइंट नंबर 5, कंक्लूजन, उपसंहार. सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन, भिन्न भिन्न कदम लिए गए हैं, बाय द गवर्नमेंट्स, सरकारों के द्वारा, ऑफ वेरियस कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों की. भिन्न भिन्न देशों की सरकारों के द्वारा भिन्न भिन्न कदम लिए गए हैं या उठाए गए हैं. COVID-19 अफेक्टेड एरियाज़ आर सील्ड एंड लॉकडाउन इज इम्पोज्ड. COVID-19 अफेक्टेड एरियाज़, COVID-19 से प्रभावित क्षेत्र, आर सील्ड, सील किए गए हैं, एंड लॉकडाउन इज इम्पोज्ड, तथा लॉकडाउन लगाया गया है. COVID-19 से प्रभावित क्षेत्रों को सील किया गया है तथा लॉकडाउन लगाया गया है. रिलेटिव्स ऑफ COVID-19 पॉजिटिव पर्संस आर क्वारंटाइंड फॉर 14 डेज. रिलेटिव्स ऑफ COVID-19 पॉजिटिव पर्संस, COVID-19 धनात्मक व्यक्तियों के रिश्तेदारों को आर क्वारंटाइंड, क्वारंटीन किया गया है, फॉर 14 डेज, 14 दिनों के लिए. COVID-19 धनात्मक व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है. पब्लिक प्लेसेस आर शट, सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है. टू स्टॉप, रोकने के लिए, द स्प्रेड, फैलाव को, ऑफ COVID-19, COVID-19 के, COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है. नाउ द वैक्सीन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड एंड वैक्सीनेशन इज स्टार्टेड. नाउ द वैक्सीन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड, अब वैक्सीन अर्थात टीका भी विकसित किया जा चुका है. एंड वैक्सीनेशन इज स्टार्टेड, तथा वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है. अब टीका भी विकसित किया जा चुका है तथा टीकाकरण
शुरू कर दिया गया है। वी होप, हम आशा करते हैं, दैट द सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल, कि स्थिति नियंत्रण में होगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। हम आशा करते हैं कि कुछ समय के बाद स्थिति नियंत्रण में होगी। नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शेल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।